I never see girlfriend before. Woohoo! Yeah, guys! Subscribe to my YouTube! सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? और मैं हूं कुणाल और अभी मैं वापस आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल लकड़ी ब्लॉगर। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक लेने के लिए, बाइक लेके आज पूरी ब्लॉगिंग करेंगे अपन। तो और आज की डेट है 23 है, चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं चंदन डैम, देखते हैं चंदन डैम में क्या क्या होता है, कैसी कैसी मस्ती करते हैं हम लोग। अरे वहाँ देखिए ना, केले है ना। तो भाई हम लोग बिहार में आ चुके हैं यार, पानी की बहाव देखो भाई साहब। ओ भाई, तो मुझे भैया ने बोला कि धीरे से चलो पुल पे, पुल पे पानी ज़्यादा है और प्लस पुल हिलता भी है, तो इसीलिए हम धीरे ही चल रहे हैं पुल पे, ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलेंगे। तो फाइनली हम लोग इसको क्रॉस कर लिए हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे के अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं आपको हम लोग। ब्लॉग पे बने रहिए। तो वो तो मंदार पहाड़ी दिख रहा है यहाँ से क्लियरली, एकदम पूरा क्लियर विज़न है यहाँ से। और शायद हम लोग बांका होते हुए जाएंगे, देखते हैं बांका होते हुए हम लोग को कितना टाइम लगता है। तो ट्रेन बंद है ना भैया, तो अभी तो यहाँ पे ट्रेन बंद है। तो अभी हम लोग मेरे गांव से बहुत ही नज़दीक में हैं, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है गांव से, वही और 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। फिर अभी गांव से कभी गांव, तो राइट नाउ वी आर एट बिहार और अभी हम लोग बेड़ा मोड़ के पास हैं और पूरी हालत ख़राब हो चुकी है हमारी। तो राइडिंग 20 किलोमीटर राइड कर चुके हैं भैया, अभी गूगल मैप पे देख रहे हैं कि यहाँ की रूट थोड़ी सी कुछ इसमें मिस हो गया है यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग से। तो अभी हम लोग वो अब यहाँ से शायद अराउंड 30 किलोमीटर और है हमारी डेस्टिनेशन, बट ये रोड काफ़ी बहुत ही सेक्सी लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रोड देखने में। सोच रहे हैं कि कुछ फ़ोटोज़ दे लें, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है फ़ोटोज़ देने के लिए, फ़ोटोज़ बाद में लिया जाएगा, अभी ऐसे ही ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है डूबा हुआ बिहार जो पूरी तरीक़े से डूब चुका है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा दोबारा से शायद कुछ गूगल मैप के थ्रू रास्ता शायद भटके हुए थे हम लोग, बट दोबारा हम लोग ठीक हो चुके हैं। हमारे बहुत ही बेहतर सीन है यहाँ पे, अब एक लाइन से एक पूरी की पूरी ट्रीज है यार, बहुत देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सावधान बच्चे हैं, तो भाई बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं थे भाई, झूठ बोलता है बंदा। बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत ही सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, एकदम हरियाली छाई हुई है पूरी। तो दूसरी वाली हरियाली मत समझना, ये नेचर वाली हरियाली है। तो अभी
नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, शायद अभी और 20 से 15। तो अब मैक्सिमम 6 to 7 किलोमीटर बाकी है, ठीक है। तो ये शायद खाना है, बहुत ही बेहतरीन खाना है भाई। हम लोग तो एक्सपेक्ट किए थे कोई होटल वाटल होगा, बट ये एक्चुअली में खाना था। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, और 7 किलोमीटर बचे हुए हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो 7 किलोमीटर तो हम लोग डैम आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। भैया तो बहुत ही खुश है, हम पूरे खुश। और चारों बगल का बस व्यूज देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। साउंड भी आप लोग को शायद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पानी का, उधर पानी की लहरें चल रही है तो इसलिए। और अब हम उस जगह पर जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे। और हमारी धनु भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है, हमारे हेयर स्टाइल का तो पता ही नहीं चल रहा। नहीं, हेयर स्टाइल है। ओ भाई, चलिए थोड़ा सा अब आगे भी बढ़ते हैं, उधर जाए। सही से सर, एक से गांव एक से क्या करें हमारी क्या। अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। देखिए क्या पानी है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत हॉट लग रहा है। चलिए भैया नीचे आएंगे। छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू, ये पानी बुला रही है, हमें बुला रही है, बट हम नहीं जाएंगे। चलिए ना अभी थोड़ा देर पैदल भी चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा माइक ठीक करने दीजिए हमें। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी यहाँ, तो ब्रिज से हम लोग उधर उस तरफ जा रहे हैं। ब्रिज पे बहुत डर भी लग रहा था हमें। अब बाइक हम लोग लगाते हैं उधर और नीचे की तरफ उतरते हैं। नीचे उतर के देखते हैं कि कैसा है सब कुछ, कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा, ईच एंड एवरीथिंग। आई नो दैट एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, बस हाँ फिर भी एक बार देखना तो बनता है ना, तो इसलिए हम लोग अभी जाते हैं नीचे। भैया चलिए चलिए महाराज, पहले उधर जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख रहे हो पानी का, उधर भी पानी का बहाव, इधर भी देख लो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। इधर से अपन लोग नीचे आए हैं और यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कि keep each other company.
तो एक और छोटी सी जगह हमें मिल गई यहाँ पे, ये जो कि बेस्ट फॉर फोटो शूट की, अच्छा लग रहा है ये जगह।